कैलाश नगर के गवर्नमेंट स्कूल में राशन लेने आई जनता ने दिखाई नाराजगी, नहीं मिला राशन, पहुंची पुलिस। आप देख सकते हैं कि गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला कैलाश नगर का गवर्नमेंट स्कूल है, यहां जनता सुबह 4 बजे से राशन लेने आई है। हम बता दें कि ये वो जनता है जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो सिर्फ आधार कार्ड से लेने आई है, जिनको विधायक पर्ची देते हैं। यहाँ जनता ने कहा कि हम सुबह से आए हैं और यहाँ राशन नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ जनता ने नाराजगी जताई और जनता इतनी इकट्ठी हो गई कि सोशल डिस्टेंस भी नहीं रही। उसके बाद गांधीनगर थाने से यहाँ टीम पहुंची और जनता को हटाया। विधायक से हमने पूछा तो विधायक का कहना था कि हमारे पास एक विधानसभा में 28 क्विंटल राशन आता है और जनता भी इतनी है कि राशन भी खत्म हो गया है। सुने आप। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी विधानसभा में 3 सेंटर राशन के वितरण के लिए खोले गए हैं। पहला सेंटर मेरा शास्त्री पार्क वार्ड में कैलाश नगर 14 नंबर गली स्कूल में, दूसरा सेंटर हमारा 26 वार्ड में हमारा नगर निगम प्राथमिक विद्यालय ईस्ट आज़ाद नगर में, और तीसरा सेंटर हमारा गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल नए सेलमपुर के अंदर है। 28 क्विंटल राशन केवल आया शनिवार को, हमारे यहाँ तीनों सेंटर पर राशन बटा। कल मेरे यहाँ तीनों सेंटर पर राशन बटा, मैं स्वयं गया था। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और एक फैमिली के लोग 4 लोग आधार कार्ड ले आए, तो चारों आधार कार्डों की उनकी एंट्री करने में समय समय लगता था और 28 क्विंटल राशन को 3 जगह विभाजित किया गया, वो राशन ख़त्म हो गया। और ज़रूरत से ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग भी आ जाते हैं। और मैंने सुबह अभी असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाई से बात की और जो हमारा FSO है धूप सिंह जी, उनसे भी मैंने बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि अनिल जी शनिवार की शाम तक राशन आएगा और सोमवार से राशन बटेगा, क्योंकि 70 विधानसभाओं में दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में 28 क्विंटल ही राशन आया है। राशन नहीं मिला अभी तक, क्या कह रहे हैं?